देखो आज का जो टॉपिक है फोर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अगर आपके पास कोई एक कैपेसिटर चार्ज्ड है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, फोर्स लगाएगी अट्रैक्शन। तो वो फोर्स क्या लगाएगी ये क्वेश्चन है। जब एक कोई भी कैपेसिटर चार्ज्ड है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, आप सिर्फ ये बताओ कि अगर कोई भी एक प्लेट के ऊपर चार्ज है, सिंगल प्लेट, वो अपने आसपास ई क्या लगाती है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। जबकि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में ई क्या लगता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सीखा हमने, पर सिंगल प्लेट का एक्सप्रेशन हमने फ्लक्स के हेल्प से निकाला था और आंसर क्या आया था? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो आप मुझे ये बताओ कि इस प्लेट ने इतना ई लगा दिया और यहां पे मैंने एक और प्लेट रख दी जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो मैंने इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर फोर्स निकालनी है। कौन लगाएगा वो फोर्स? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्लेट को खींचेगी, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है? पॉजिटिव प्लेट प्रोवाइड कर रही है। तो पॉजिटिव प्लेट ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के ऊपर लगाया? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब कई लोग बोलते हैं कि सर इसके बीच में ई का फॉर्मूला जो आपने करवाया था वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, वो इन दोनों प्लेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था। मैं इसमें सिर्फ इस प्लेट का कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ रहा हूं कि क्या होगा ई का कॉन्ट्रीब्यूशन। जिसके ऊपर हमने फोर्स निकालनी है वो अपने ऊपर ई तो लगाएगी नहीं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट पड़ी हुई है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी कितनी? क्यू इंटू ई। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है। तो माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है? पॉजिटिव प्लेट लगा रही है। और कितना लगा रही है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं तो साइन नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, आंसर फोर्स का आ गया। तो इतनी फोर्स एक पॉजिटिव प्लेट दूसरी नेगेटिव प्लेट पे लगाएगी और वाइस वर्सा, नेगेटिव प्लेट भी पॉजिटिव पे सेम फोर्स लगाएगी। तो क्या ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है और फॉर्मूला क्लियर है फोर्स का? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब क्योंकि इस कैपेसिटर के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहां पर एनर्जी प्रेजेंट है, वो कितनी एनर्जी प्रेजेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब वो वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब हमने अगेंस्ट नेचर काम किया। नेचर क्या कहती है? नेचर ये कहती है कि जब आपने दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो और रिलीज कर दिया उन प्लेट्स को, तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। नेचर तो ये कहती है कि दोनों चिपकी रहें, पर आप क्या चाहते हो कि उनमें क्या हो? सेपरेशन हो। तो आप एक काम करो, इमेजिन करो ये फ्री टू मूव प्लेट है, चिपकी हुई थी। एक प्लेट को आपने क्या किया? एक प्लेट है, इस प्लेट को पकड़ लो, दूसरी प्लेट को आप खींच दो और खींच के दूर ले जाओ नेगेटिव प्लेट को। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वो जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इस पूरे सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप छोड़ के देखो प्लेट्स को, वापस चिपक जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर क्या स्टोर है? एनर्जी स्टोर है। तो आप एनर्जी कैसे निकालोगे? अपना वर्क डन निकाल के। तो आपने वर्क डन क्या किया? आपने फोर्स अप्लाई की इस प्लेट पे, आपने फोर्स अप्लाई की और आपने इस प्लेट को इस प्लेट से नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कितना दूर कर दिया? डी दूर कर दिया। तो आपने फोर्स कहां लगाया? टुवर्ड्स राइट। हालांकि ये प्लेट इसे कहां खींच रही है? टुवर्ड्स लेफ्ट। पर आपने फोर्स कहां लगाई? टुवर्ड्स राइट, और इसे खींचा। और डिस्प्लेसमेंट भी कहां है आपकी? टुवर्ड्स राइट। तो वर्क डन क्या होगा? एफ इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी होगी? हमने निकाल ली फोर्स ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। और डिस्टेंस कितना है? डी। मल्टीप्लाई किया वर्क डन, यही एनर्जी है। तो यहां पे एक काम करते हैं, इस d को एप्सिलॉन नॉट a के नीचे ले जाओ। तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d को क्या लिखेंगे? c।
आंसर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन या फिर एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक्सटर्नल वर्क डन है, मैंने किया, वही पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आज के बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. अब इसको करने का एक और मेथड है, करना है कर लो, नहीं करना वहां तक डन, मेरी तरफ से डन है. कई बुक्स ऐसे करती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वर्क डन हो रहा होता है. तो वर्क डन बाई चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वी क्या होता है? क्यू बाई सी. इस वी की जगह क्यू बाई सी, तो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर फ्रॉम जीरो टू क्यू चार्ज, इसे इंटीग्रेट कर दिया, सी बाहर आ गया, क्यू टी क्यू की इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू, आंसर सेम आएगा. पर मेरी तरफ से ये वाला एक्सप्रेशन बेटर है, काम खत्म. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डन. क्लियर है यहां तक? अब बोलो सर, वो मेथड 1 में हम डी को नीचे क्यों लेके गए? किसमें सर? वो जो हमने डेरिवेशन की मेथड 1 यूज किया, ये तो इससे ऊपर वाला, ये सर मेथड 1 जो किया, कौन सा द्वारा? फिर सर वो जो हमने मेथड 1 में उसको डिराइव करते हुए हम वो डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले गए, वो हम नीचे कैसे लेके गए? डी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, इसके नीचे नहीं आएगा रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल करोगे स्टेप एस सेम हो जाएगा. ओके सर, मैथ्स का स्टेप है तो ठीक है. ओके, अब इसमें एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला है, और क्यू क्या होता है? सी वी. अब एक काम कर सकते हो आप, इस क्यू को यहां पुट कर सकते हो सी वी, तो आंसर सॉल्व करके क्या आएगा? हाफ सी वी स्क्वायर. तो एनर्जी का फॉर्मूला आप ये तो यूज कर ही सकते हो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, एनर्जी का आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके बाद एनर्जी का ये फॉर्मूला आपने याद किया, लेकिन Q क्या होता है? CV. तो C क्या होता है? Q बाई वी. तो इस C की जगह यहां पुट कर दो Q बाई वी, सॉल्व करके आंसर क्या आ गया? हाफ Q इंटू वी. तो तीसरा एनर्जी का फॉर्मूला जो सेम रिजल्ट देगा. तो आप न्यूमेरिकल में चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करो, डिपेंड करता है. अगर आपको Q और V गिवन है तो ये फॉर्मूला, अगर आपको C और V गिवन है तो ये फॉर्मूला, अगर आपको Q और C गिवन है तो ये फॉर्मूला, डिपेंड करेगा, पर तीनों फॉर्मूला सेम रिजल्ट देंगे. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी. ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी किया हुआ है, सरफेस एनर्जी, सॉरी जो एनर्जी सेल्फ एनर्जी हमने की थी, रादर सरफेस एनर्जी नहीं, सेल्फ एनर्जी. सेल्फ एनर्जी के अंदर हमने एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट किया था. मैंने कहा था वो मेथड नंबर 1 है, थोड़ा मुश्किल मेथड है, हमारे पास एक और मेथड है मेथड 2 जो हम करेंगे. तो टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो उस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी? एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? हमने कैपेसिटर लिया, प्लेट्स का एरिया कितना है? ए है. डिस्टेंस दोनों प्लेट्स में कितना है? डी है. तो इस कैपेसिटर के अंदर जहां एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू डी, ए इंटू डी वॉल्यूम है. इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है हमने निकाल रखी है यू. एनर्जी का सिंबल क्या होता है? कैपिटल यू. एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसका सिंबल है छोटा यू, याद रखना स्मॉल यू. तो स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम वी. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और वॉल्यूम कितना है? एरिया इनटू डी. तो सिंपलीफाई करके सी नीचे आ गया, ये फॉर्मूला आ गया. सी कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी से डी कैंसिल, तो ये एक्सप्रेशन आ गया. चार्ज बाय एरिया क्या होता है? सिग्मा. तो चार्ज बाय एरिया का स्क्वायर क्या देगा? सिग्मा स्क्वायर. तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट. एक और स्टेप है, आप इस फॉर्मूले को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो. क्यों किया बताता हूं. ऐसा करने से रिजल्ट ये हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और इंटू एप्सिलॉन नॉट.
अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो आंसर क्या आएगा, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। शीट नंबर 30, ये शीट हम कर रहे थे, ये शीट हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये भी कर लिया, ये सारा हमने कर लिया था। कौन सा, ये वाला मैंने बताया था, ये दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में। मैंने नहीं किया, मैंने बताया था आपने करना, अब कर लेना ठीक, इतना बड़ा तो क्या ही करो। बोलो अगर जी पॉइंट पे भी हम जंक्शन ले दे इसमें तो जी, जी पॉइंट पे नहीं यार, जी मोड है, जी तो वायर मुड़ी हुई है, जी जंक्शन नहीं ना। जंक्शन क्या सिखाया था, जब एक एक्सटर्नल वायर इसको ज्वाइन कर, वो जंक्शन है। देखो ये जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं है, ठीक है ना। सर अगर हम जंक्शन ले देंगे इस पे नहीं, तो हम फिर जंक्शन, ये सर्किट जी में चलेगा। नहीं एक मिनट, जी को जंक्शन ले लें अगर हम, यस सर, जी जंक्शन है ही नहीं जब मैं कह रहा हूं, वायर मुड़ी हुई है, इट्स नॉट अ जंक्शन। जी जी पॉइंट को आप जंक्शन लेने को कह रहे हो, जंक्शन क्या होता है यार, जंक्शन होता है वायर्स का मिलना, ये एक वायर है, एक और वायर है, ये जंक्शन है। अब ये जंक्शन है जहाँ ये वायर और ये वायर मिल रही हैं। वायर का एज इट इज मुड़ना इज नॉट अ जंक्शन, दिस इज नॉट अ जंक्शन, ये सीरीज में ही माना जाएगा ऐसे, ठीक। नहीं सर वैसे कह रहा था कि अलग क्वेश्चन हो कि अज्यूम कर लो। नहीं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे अपने पास बहुत वैरायटी है यार, अपने को जरूरत ही नहीं है अज्यूम करने की, ऐसा आएगा ही नहीं क्वेश्चन अपने पास। आज भी वैरायटी खत्म नहीं होएगी, दो लेक्चर और नहीं खत्म होएगी, इतनी वैरायटी है कैपेसिटर्स की। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं आएगा ऐसा, मतलब या तो मुझे डायग्राम बना के दो तब है, अदरवाइज नहीं, ऐसे नहीं ठीक। अदरवाइज ये जंक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमने किया था, ये भी किया था, ओके। ये क्वेश्चन खास किस्म का क्वेश्चन है, एक स्पेशल टेक्निक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पांच कैपेसिटर्स गिवन है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के अंदर आप स्टार्ट होते हो ऐसे कि ये और ये और ये सीरीज में, ना सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि बीच में क्या आ गया, जंक्शन आ गया, नहीं होगा, ओके। आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये और ये सीरीज में ना नहीं है, ये और ये नहीं, सीरीज तो कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा। फिर आपने सोचा सीरीज ही होगा, चलो पैरेलल तो पक्का ही होगा। अब पैरेलल दिख नहीं रहा, कई लोग थोड़ा आइडिया लगाते हैं, मुझे लग रहा है ये पैरेलल में लग रहा है, पर कैसे लगेगा, बीच में क्या आ गया, जंक्शन, और यहाँ पर भी क्या आ गया, कैपेसिटर, बीच में कैपेसिटर आ गया, जंक्शन भी आ गया। तो कोई कहता भाई ठीक है आने दो, इन दोनों को पैरेलल में ले लो, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैर भाई ये दोनों सीरीज में है ही नहीं, लूँ कैसे। तो जंक्शन से आ गया बीच में, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, फिर सेम सिचुएशन नीचे के साथ हो रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा इस क्वेश्चन को कैसे मैं स्टार्ट करूं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सीरीज ना होगा तो पैरेलल तो पक्का होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ना तो कोई कैपेसिटर इसमें सीरीज में है और ना ही कोई कैपेसिटर इसमें पैरेलल में है। तो आज इस क्वेश्चन को ब्रेक करने की आपके पास तो एटलीस्ट कोई टेक्निक नहीं है, जितना मैंने करवाया। इस क्वेश्चन को, इस अरेंजमेंट को हम किसी और तरीके से करते हैं, देखो कैसे। इसे पहले रीड्रॉ करते हैं, कैसे? अगर ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट है, ये जंक्शन है, तो ये रहा जंक्शन। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट कहता है मैं चेक कर सकता हूँ पैरेलल, मैंने कहा कैसे, कहता आपने सिखाया था वी ए वी बी करके, वो भी करके देख लो। अगर ये वी ए है तो ये वी ए है, ये वी ए है तो ये भी वी ए है, ये वी बी है तो ये वी बी और ये भी वी बी, ये वी डी है तो वी डी और ये भी वी डी,
ये VC है तो ये VC, ये VD और ये VC और ये VB, तो कहीं भी आपको दिख नहीं रहा होगा कि किसी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब तो पक्का ही है कि ये पैरेलल में बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हो पैरेलल भी नहीं है। तो आप ऐसा करो, रीड्रॉ कर लो। कैसे रीड्रॉ किया? अगर ये ए और जंक्शन है, ए और जंक्शन है, फिर ए, अगर आप ए और बी की बात करते हो, ए और बी के अंदर क्या लगा हुआ है? कैपेसिटेंस C1। ए और बी के बीच में मैंने क्या लगा दिया? C1। अब आप इधर देखो, ए और डी के बीच में क्या लगा? C4। ए और डी के बीच में क्या लगा? C4। बी और डी के बीच में क्या लगा? C3। बी और डी के बीच में क्या लगा? C3। बी और सी के बीच में, ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, बी और सी के बीच में क्या लगा? C2। बी और सी के बीच में C2। फिर उसके बाद C5, ये रहा डी और सी के बीच में C5, डी और सी के बीच में C5, और बी और डी के बीच में C3, बी और डी के बीच में C3, और सी और जंक्शन, सी और जंक्शन। आप चेक कर लो सारे पॉइंट एज इट इज यहां प्लॉट कर दिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, पहले तो यही करना मुश्किल था, VA, VB, VC, VD। चलो यहां तक तो फिर भी कोई बात नहीं, मतलब रीड्रॉ करके मुझे कैसे पता लगेगा कि ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा? नहीं लगेगा, मेरे को भी नहीं लगेगा। तो आप ये सोच रहे हो कि आपको लगेगा, मेरे को भी नहीं लगेगा। मेरे को नया क्वेश्चन तो मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार कर रखा है तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये रोज रोज आने वाले नए नए क्वेश्चनों में से नहीं है। तो एक बार इसको देखेंगे, इसके पैटर्न पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कर पाएंगे। तो यहां तक समझ में आ गया? ठीक, एक सेकेंड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? यहां तक आ गया? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट है ना, ऐसा ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट किसी वर्ल्ड वॉर के अंदर आर्मी वालों ने बनाई थी, शायद जर्मन आर्मी थी, मुझे पता नहीं कौन सी आर्मी थी, गूगल पे चेक कर लेना, विकीपीडिया पे लिखा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सर्किट आएगा या आर्मी वालों की पूरी इंट्रोडक्शन आएगी। तो ऐसे उन्होंने फौज को खड़ा किया था ये ब्रिज के ऊपर। तो इस पूरे अरेंजमेंट का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज, नाम वहां से लिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, कैपेसिटर लगा दिया। तो इस अरेंजमेंट को व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, और ये अरेंजमेंट हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें स्टडी करवाते हैं रेजिस्टेंस के साथ, ऐसे जिसके अंदर पांच रेजिस्टेंसेज अगर ऐसे अरेंज्ड हो, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर इसका प्रूफ आएगा। क्या प्रूफ आएगा? कि अगर ये दोनों, दिस रेशियो, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, अगर ये रेशियो बराबर हो जाए, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो मुझे लग रहा है ये बराबर है 1:2, 1:2। तो इस ब्रिज को बोलते हैं कि ये ब्रिज एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब ये बैलेंस हो जाता है, जब रेशियो बराबर हो जाती है, तो ब्रिज बैलेंस कहलाता है। और जब ये बैलेंस हो जाता है, तो ऐसे केस में ए पॉइंट एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। और जब ए और बी का पोटेंशियल सेम है, तो ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो। तो इस वायर में कभी भी करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, करंट नहीं आ सकता। सभी वायर में करंट दौड़ेगा, इसमें करंट नहीं दौड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका प्रूफ हम इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। ऐसा क्यों होता है? अभी आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ये बैलेंस्ड है, चेक करके रेशियो, तो इसको उड़ा दो, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट तो जाएगा ही नहीं, बात खत्म। और सेम रूल कैपेसिटर के लिए भी एप्लीकेबल है, कि जब कैपेसिटेंसेस इस तरीके से अरेंज्ड हैं, सच दैट कि ये एक कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, तो C1 बाई C2 और ये C4 और C5, ये देखो, तो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, ये 10 है, 10 है, 10 और 10, तो रेशियो क्या होगी इनकी? बराबर। तो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यानी कि बी का और डी का पोटेंशियल क्या आएगा? सेम। और अगर सेम आएगा, तो इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो इसकी चार्जिंग नहीं होगी, क्योंकि
चार्जिंग के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दो प्लेट्स पे अलग अलग, तो इसकी चार्जिंग नहीं होगी। जब चार्जिंग ही नहीं होगी फिर लगाया क्यों है? फिर ऐसे केस में इसको आप हटा दो, इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हटाना तभी है जब ये रेशियो बराबर आ जाए और ब्रिज किस स्टेट में चला जाए, बैलेंस स्टेट में चला जाए। तो मेरे इस क्वेश्चन में ब्रिज बैलेंस्ड है, तो मैं इस कैपेसिटर को हटा के अपना सर्किट इजी कर लूंगा। तो ये हट गया क्योंकि रेशियो बराबर है। अब क्वेश्चन इजी हो गया, कैसे? ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज। कोई कहेगा जंक्शन है ही नहीं, जंक्शन, जंक्शन था जब वायर थी तो जंक्शन था, तभी तो सीरीज में लग नहीं पा रहे थे। अब जंक्शन हट गया तो ये मोड़ आ गया सीधा, वायर मुड़ी हुई है, तो ये दोनों किसमें है? इन सीरीज। तो 10 × 10 / 10 + 10 5, और ये दोनों भी किसमें है? सीरीज 5। इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर, दो थर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 5 + 5 = 10, आंसर इज 10। तो आज के बाद आपको अगर ये अरेंजमेंट दिख गया ऐसा, तो आपको इसको ऐसे बना के बैलेंसिंग चेक करके, वैसे 99% ब्रिज बैलेंस ही आएगा, 1% जब बैलेंस नहीं आएगा वो हम अभी नहीं, थोड़ा बाद में करेंगे, उसको कैसे करना है अभी नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स है, आता नहीं है। ये एनसीईआरटी की, ये पूरे आज का लेक्चर पूरा एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट है। क्यों नहीं किया? चेक कर रहा हूं C1 C2 10 10 10 10, तो मैं बता रहा हूं कि देखो C1 by C2 is equal to C2 by C4 by C5, ये देखो ये इक्वल हैं, मैं बता रहा हूं, कर नहीं रहा मैं, कहा देखो ये बराबर आ गई ना, और अगर ये बराबर आ गई तो ब्रिज बैलेंस हो गया, इसकी कंडीशन यूज कर रहा हूं ना, अगर ऊपर की रेशियो और नीचे की रेशियो के इक्वल हो तो ब्रिज बैलेंस्ड है, और क्योंकि मेरे को ये 10 10 10 10 गिवन है, तो ऊपर और नीचे की रेशियो बराबर है, और अगर ये है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर ये बैलेंस्ड है तो बीच वाली वायर को हम हटा देंगे, तो फिर इजी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। तो इसके बेस पे, फिर से इसके बेस पे अगला क्वेश्चन निकालो, ये ट्राई कर सकते हो। ये देखो इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सोचो पिछले क्वेश्चन को देख के इसका क्या आंसर होगा।
आया आंसर? हाँ सेम, ये देखो जो भी हमने किया ऐसा बनाया सबने। हाँ, इसका डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा हमेशा। तो देखो ना, आप याद कर सकते हो, अगर आपको वी वन वी टू वी थ्री नहीं करना ना, तो बेस्ट तरीका ऐसे कर लो कि ये जो नंबरिंग है, ये देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, इधर देखना याद करने का, ये वी वन वी टू से अगर बचना चाहते हो, सी वन सी थ्री सी फाइव, 1 3 5 ऑड 1 3 5। नहीं, मेरा याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ रूल नहीं है कोई, मतलब किताब नहीं बताती, 1 3 5 इसका नाम है सी वन सी थ्री सी फाइव, ठीक है। तो आप इस ऑड कैपेसिटर्स को ऐसे लगाओगे 1 3 5, याद हो गया, तो ये एक प्लेस हो गया ना, इसको यहाँ प्लेस कर दो, इसको यहाँ प्लेस कर दो, और इसको यहाँ प्लेस, तो 1 3 5 1 3 5 याद हो गया, तीन तीन की प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा अब, नेक्स्ट कौन सा, सी टू और सी फोर, तो सी टू नीचे है और सी फोर ऊपर है, इसमें सी फोर नीचे है सी टू ऊपर है, उल्टा कर दो, हो गया, बस अरेंजमेंट बन गया। तो कोई इसमें आपको वी ए वी बी करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही बस एक शॉर्टकट बनाया, अभी अभी बनाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को याद था, अभी अभी देख के, कि ये तीन ऑड लिखो, ये ऑड लिखा, सी फोर सी टू ऊपर नीचे, और सी टू सी फोर रिवर्स हो गया, तो सी फोर नीचे चला गया सी टू ऊपर, डन हो गया। तब अपने मन में नाम दे दो ना इसे, ये देखो 1 3 5, तो प्लेस करो 1 3 5, हो गया प्लेस, तीन तो हो गए प्लेस, जो ऊपर है 5 वो नीचे आ गया, और जो नीचे है वो ऊपर चला गया, डो बन गया डायग्राम, हो गया डन। तब ये बैलेंस है, चेक करो 5/5 इज 5/5, हाँ ये बैलेंस है, तो मैं बीच के कैपेसिटर को हटा दूंगा। मेन प्रॉब्लम तो यही थी रोम्बस बनाने की, बाकी तो कोई चक्कर नहीं था, रोम्बस बनाना आ गया, तो इसमें वी ए वी बी से बच गए आप, तो रोम्बस बनाओ, बन गया। तो ये दोनों अब 5, तो डायग्राम ऐसा बन गया, 5 और 5 किसमें इन सीरीज, 5 और 5 किसमें इन सीरीज, 5 5 सीरीज में तो आंसर 5/2, 5 और 5 सीरीज में तो आंसर 5/2, 5/2 5/2 पैरल में तो आंसर ऐड होके क्या आएगा 5/2 5/2, तो निकाल लेना आंसर क्या आएगा 5। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस कैपेसिटर में ये तो है ही है, एंड में एक और कैपेसिटर 5 भी लगा हुआ है, तो देखो इस रोम्बस के साथ ये भी प्लेसमेंट है 5 अलग से, इसको रहने दो एंड तक, कोई बात नहीं एंड तक, ये देखो तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 5 और 5 किसमें इन सीरीज, तो सीरीज में तो 5 × 5/5 + 5 आंसर 5/2। तो आइडिया क्लियर है, देखो एक बार वो ब्रेक करने का ही क्वेश्चन था कि ब्रेक कैसे करना है, उसके बाद तो बिल्कुल सही चलेगा फॉर्मेट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने पिछली बार बोला था कि सर मेरे को कोई ऐसा तरीका बताओ कि मुझे सीरीज पैरल दिखना स्टार्ट हो जाए, तो मैंने क्या कहा था, 1 महीना बच जाएगा, ठीक बोला था ना, 2 लेक्चर तो बची गए अगर मैं कल ही बता देता कि ऐसे कर लो, और आज भी नहीं बता पाऊंगा, आज के लेक्चर में भी सिर्फ टाइप्स दिखा दूंगा कि देखो ऐसे ऐसे होता है, और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी की टाइप्स, कॉम्पिटिशन तो स्टार्ट भी नहीं है आज। तो मेरे कहने का मतलब और टाइप्स और वैरायटी होंगी, लेकिन टाइप्स इतनी है जो आज हम करेंगे, अगले लेक्चर से जो हम काम करेंगे उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा, वो एनर्जीज को लेके ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है कॉम्पिटिशन में, एनर्जीज के ऊपर ज़्यादा आता है, क्योंकि एनर्जी सॉल्व, जब हम एनर्जी का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज का लेक्चर क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जैसे ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था हमने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन, अब एक चीज नोट करो, इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन में क्या फर्क है, 2 कैपेसिटर उड़ा दिए, ये उड़ा दिए, कोई नहीं और तो है ही है, 1 3 5 C1 C3 C5 नहीं है तो मत लगाओ इसमें, बात खत्म। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो डायग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे ये क्लियर है यहां तक ना, आगे ये मान लो Vx है, तो ये भी Vx है, ये भी Vx है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस तो है नहीं, जहां तक ये वायर जाएगी तब तक Vx, देख अदर एंड भी Vx पे होगा, ये भी Vx है और ये भी Vx है, ये Vy है, Vy है, Vy है, Vy है, तो Vx Vy, Vx Vy, Vx Vy, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो तीनों आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो करना क्या है, ऐड कर दो 5 + 5 + 5 15 आंसर,
तो आज के बाद जब ये प्रॉब्लम आएगी तो ये भी ड्रॉ मत करो, ये तो याद ही हो गया। अगर तीन कैपेसिटर्स इस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं और यहाँ कोई कैपेसिटर ही नहीं है, तो सीधा आंसर 5 + 5 + 5 = 15, डन। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस, तरीका यही है। पर कौन ड्रॉ करेगा इस क्वेश्चन को, पहले ऐसे करें, पता ही है यार एंड में पैरेलल है तो डन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपका हाथ तेज चलेगा इन क्वेश्चंस में। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर अगर ऊपर और नीचे में से कोई एक कैपेसिटर यहाँ पे लगाया होता फिर? पता नहीं फिर क्या करते, ना तो वो उधर का क्वेश्चन रहता बैलेंस वेट स्टोन बीच का, ना ये पैरेलल का रहता। तो अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछो अपने मन से बना के, सर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, मैं ना निकाल पाऊंगा। आप सोच रहे हो कि मेरे को सारे सर्किट आते, मेरे को सारे सर्किट नहीं आते, मेरे को तो वो आते हैं जो मैंने कर लिए, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो नए क्वेश्चन आएंगे मैं ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर ऐसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मुझे नहीं दोगे, अगर वो, अच्छा आपका क्वेश्चन ये भी तो बनता है, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ना आया फिर तो बीज का कैपेसिटर उड़ेगा ही नहीं, फिर उसका तोड़ अलग है हमारे पास। और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि एक होता एक ना होता, फिर इस तरीके से वो सॉल्व ना होता, उसके लिए फिर एक ही बंदा आपको बचा सकता है, मैं तो नहीं हूं वो, उसका नाम है किरचॉफ, साइंटिस्ट था, उसने तोड़ निकाला किरचॉफ लॉ। और वो एंड में आएगा जब हम फंस जाएंगे सभी, अब नहीं हो रहा हमसे, तो फिर किरचॉफ लॉ आपको उसका तरीका बताएगा। बहुत लंबा तरीका है किरचॉफ लॉ, लंबे तरीके होते हैं किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने के, पर हाँ पक्के कारगर तरीके हैं, उसे आता है आंसर, ये बात तो पक्की है। फिर उसके बाद एक और तरीका आएगा स्टार डेल्टा मेथड, जो किरचॉफ लॉ का भी और एक शॉर्टकट बना देगा और चीज़ों को और आसान कर देगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है, तो कुछ दिनों में आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्लियर है? फिलहाल तो इसी का यस आंसर दे सर, पाऊंगा, बस इसमें ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट है, ये कर लिया था, ये सब कर लिया था, डन। शीट नंबर 31, इस शीट में ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन आप +2 के अंदर आपके किसी ना किसी पेपर में, वो स्कूल का पेपर हो, वो आपका फाइनल CBSE का पेपर हो, वो आपका दिसंबर का पेपर हो, वो नीट भी हो सकता है, वो मेंस भी हो सकता है, आपको पेपर में एक बार तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। और क्वेश्चन NCERT का है, और ऑब्जेक्टिव बुक्स में कैपेसिटर के कम से कम 10 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं, और इकट्ठे 8-10 क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन आपको दे देगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? आपके पास एक कैपेसिटर है सी, एक बैटरी है वी, इस बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया क्यू, फुली चार्ज है ये, बस ये अरेंजमेंट ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर इज चार्ज्ड, अब वो कह रहा है मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो मैंने इस कैपेसिटर की प्लेट में क्या इंट्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो पहला आंसर दो, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो कैपेसिटेंस बिकम्स कितने टाइम्स, के टाइम्स, याद है कैपेसिटेंस के टाइम हो जाती है अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल के कैपेसिटेंस बिकम के टाइम्स। कह रहे बताओ जब मैंने स्लैब को डाला तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी, इस कैपेसिटर के ऊपर क्यू चार्ज कैसे चेंज होगा। पहले मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, अब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो बताओ ये चार फैक्टर कैसे चेंज होंगे। हाँ कैपेसिटेंस का आंसर मैं बताऊंगा, इट बिकम्स के टाइम्स, वो एक आंसर आ गया, अब बाकी फैक्टर भी चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे। जब आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला, आगे व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड डिसकनेक्टेड विद द कैपेसिटर, कह रहा अब इसमें भी दो केस हैं, डायलैक्ट्रिक डाल दिया, पहला केस बैटरी इसके साथ लगी रहेगी, बैटरी लगी हुई है और मैंने इसमें क्या डाल दिया, डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, तो पहला केस ये बनेगा कि जब मैंने इसमें डायलैक्ट्रिक डाला तो बताओ बैटरी लगी हुई है,
इट इज कनेक्टेड, तो बताओ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वी यू और क्यू चेंज होगा इसका। दूसरा केस, ये कैपेसिटर सी जिसको चार्ज दिया था क्यू बैटरी ने, पर बैटरी को मैंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट, उठा के फेंक दिया, कैपेसिटर चार्ज है मेरा, चार्ज हवा में तो उड़ता नहीं है, प्लेट्स पे रहेगा, चाहे बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तब भी, तो प्लेट्स पे क्यू चार्ज है, अब बैटरी नहीं रही। अब वो कहता है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डाल दिया, अब फिर आंसर दो। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी और चार्ज कैसे चेंज होगा। तो बन गए ना 8 क्वेश्चन, तो 4 तब देने आंसर डायलैक्ट्रिक डालने के बाद जब बैटरी कनेक्टेड है, 4 तब देने हैं ये फैक्टर कैसे चेंज होंगे, बैटरी डिसकनेक्टेड है। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक ठीक है, तो करें स्टार्ट। ओके, पहला केस हम करेंगे जब बैटरी कैसे है, कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है, जब बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस कितने टाइम हो जाएगी, के टाइम्स, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इस बैटरी का ये जो टर्मिनल है वो 10 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है, तो अगर ये प्लेट 10 पे है तो ये प्लेट भी 10 वोल्ट पे है, ये 0 पे है तो ये भी 0 पे है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस तो है नहीं, 10 10 0 0। अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला या नहीं डाला, वो प्लेट्स कैपेसिटर की कनेक्टेड तो बैटरी के साथ ही है, जब बैटरी अभी भी 10 और 0 पे है तो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद या उससे पहले 10 और 0 पे रहेगा, क्यों चेंज क्यों होगा, चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, ये 0 है तो ये 0 है, क्योंकि इसका टर्मिनल इसको पोटेंशियल देगा, इसका टर्मिनल इसे पोटेंशियल देगा, बैटरी कनेक्टेड है, जब बैटरी कनेक्टेड ही रह गई तो प्लेट्स सीधा बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो जो बैटरी का वी है वही कैपेसिटेंस का वी है, तो वी में कोई चेंज नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आया, क्योंकि बैटरी उसको अभी भी वी पोटेंशियल दिए जा रही है, तो इसलिए वी विल रिमेन सेम। क्लियर है यहां तक? तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स, के टाइम्स, बैटरी कनेक्टेड है तो वी में कोई चेंज नहीं आएगा, बैटरी ने अपना वी दिया हुआ है। कैसे, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इधर से ये बैटरी, इधर से ये बैटरी का टर्मिनल, मतलब कि अगर ये वी वन है ये वी टू है, तो ये वी वन है ये वी टू है, इसका मतलब ये है। ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट, चार्ज, चार्ज क्या होता है, सी इन टू वी। अब कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो चुकी, के टाइम्स, और वी में कोई चेंज नहीं है, तो ओवरऑल आंसर के टाइम आएगा, सी इन टू वी तो क्यू होता है, तो चार्ज कितने टाइम हो गया, के टाइम। अब आप सोचोगे चार्ज कैसे के टाइम हो गया, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई के टाइम, कैपेसिटर ने बैटरी को कहा भाई देख मेरी कैपेसिटी पहले सी थी तो मैं चार्ज तेरे से क्यू ले रही थी, अब मेरी कैपेसिटी के टाइम है, अब मुझे ज्यादा चार्ज दे, बैटरी की कोई बात नहीं मैं तो अभी भी कनेक्टेड हूं, तो बोल कितना चार्ज चाहिए, वो कहती है मुझे के टाइम चार्ज चाहिए, अब नया चार्ज कितना हो जाएगा, के टाइम, क्योंकि देने वाली बैटरी प्रेजेंट है, तो अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो बैटरी उसे और चार्ज प्रोवाइड कर सकती है, तो चार्ज विल चेंज, तो चार्ज कितने टाइम्स, के टाइम्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स t इज इक्वल dv बाय dr वाला फॉर्मूला, तो v को d से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब v चेंज ही नहीं है, बैटरी ने v चेंज नहीं होने दिया, d हमने चेंज ही नहीं किया, तो e की वैल्यू विल रिमेन सेम, ना तो v चेंज होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन d, v तो चेंज ही नहीं हुआ ना, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट तो वैसी चेंज नहीं हुई, तो दोनों रेशियो सेम है, तो आंसर सेम है e का। ठीक, नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, हाफ q स्क्वायर बाय c। अब ये पुरानी एनर्जी है, अब नई एनर्जी आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, चार्ज विल बिकम k टाइम्स, कैपेसिटी विल बिकम k टाइम, ऊपर से के स्क्वायर नीचे से के, तो ओवरऑल फैक्टर कितना आ गया, के, तो एनर्जी विल बिकम के टाइम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इस पूरे पार्ट में बैटरी कनेक्टेड है, तो इस पूरे पार्ट में कैपेसिटेंस के टाइम, वी में कोई चेंज नहीं, ई में कोई चेंज नहीं, और जो चार्ज है वो के टाइम है, एनर्जी भी के टाइम है। अब फिर से यही पार्ट फिर से करते हैं, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी ने एक बार चार्ज दिया
बैटरी ने दोनों टर्मिनल पे वी डेवलप किया और बैटरी को उठा के अपने फेंक दिया। अब हमने क्या डाला, डाई इलेक्ट्रिक। तो पहला पार्ट कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स, देखो कैपेसिटी तो बढ़ गई राइट, चार्ज विल रिमेन सेम। ऐसा क्यों, क्योंकि देने वाली कौन थी चार्ज, बैटरी। बैटरी ने क्यू चार्ज दिया, आपने बैटरी को फेंक दिया। अब वो कैपेसिटर कह रहा है भाई मेरी कैपेसिटी के टाइम होगी, तो बैटरी कह रही है फिर मैं क्या करूं, मैं तो मेरे को उठा के तुमने फेंक ही दिया, तो चार्ज कौन देगा तेरे को, कोई भी नहीं, क्योंकि हवा में चार्ज तो उड़ा के दूंगी नहीं, तो पहले भी क्यू है अब तू क्यू ही रख, तो इसलिए क्यू विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें, ठीक हो गया। उसमें के टाइम था, क्यों, बैटरी कॉन्टिन्यूसली चार्ज दे सकती थी, इसमें नहीं दे सकती, तो क्यू सेम, कैपेसिटेंस के टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बाय सी, क्यू तो सेम है, कैपेसिटी विल बिकम के टाइम, तो इसका मतलब वी डैश विल बिकम वन बाय के टाइम, के फैक्टर नीचे आ गया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो गया, वन बाय के टाइम। क्या ये स्टेप क्लियर है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस वन बाय के टाइम, क्यू बाय सी, सी की जगह के टाइम, नई कैपेसिटी क्या है, के इंटू सी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी, क्यू तो क्यू है, कैपेसिटी सी नहीं रही ना, के इंटू सी होगी। ये देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बाय सी, ये पहला पहले था, नया क्या होगा, क्यू तो सेम है, कैपेसिटी सी की जगह, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, दोनों को डिवाइड कर लो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, वी बाय के, तो वी विल बिकम वन बाय के टाइम्स। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो भी नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स का अपॉन डी, डी तो मैंने चेंज ही नहीं किया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वन बाय के टाइम्स, जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है ऊपर वाले पार्ट से वो कितना है, वन बाय के टाइम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया, वन बाय के टाइम्स। तो फैक्टर देखो, बाकी कुछ में देखो, बस ये देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वी, अगर के डिनोमिनेटर में क्या आ गया तो इट विल बिकम वन बाय के टाइम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वन बाय के टाइम। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो इस क्वेश्चन में चार्ज रिमेन्स सेम, कैपेसिटी बिकम्स के टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम वन बाय के टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम वन बाय के टाइम, एनर्जी क्या होती है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, पर यहां पर सी नहीं, क्यू तो सेम है, क्यू में तो कोई चेंज नहीं है, और कैपेसिटी कितनी हो गई, के टाइम्स, तो डिनोमिनेटर में के टाइम, तो फैक्टर कितना आ गया, वन बाय के, तो एनर्जी विल बिकम वन बाय के टाइम। क्या ये पॉइंट क्लियर है, लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि रिजल्ट ही याद हो जाते हैं। ये देखो कैसे, पहले केस में जब बैटरी कनेक्टेड थी उसमें कैपेसिटेंस बिकम के टाइम, अब कैपेसिटेंस बिकम के टाइम, उसमें चार्ज बिकम के टाइम, इसमें चार्ज बिकम के सेम, उसमें वी रिमेन्स सेम, इसमें वी वन बाई के, ई रिमेन्स सेम, ई बिकम्स वन बाई के, एनर्जी बिकम्स के टाइम्स, एनर्जी बिकम्स वन बाई के टाइम। लो हो गया, इतना टाइम थोड़ी ना वहां बैठ के, अच्छा देखता हूँ कनेक्ट हुई कि नहीं हुई, इतना कोई टाइम नहीं है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, ये लो के टाइम वन बाई के टाइम, डन खत्म। यही तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्पेशली नीट वालों की, नीट में तो ऐसे ऐसे बहुत आएंगे, फटाफट फटाफट वन बाई के, कौन वहां डायग्राम बना रहा है नीट में, मेंस तो इतने लेवल पे नहीं उठेगा, थोड़ा ज्यादा आएगा मेंस तो, अब थोड़ा ज्यादा आएगा यार, पर इसमें से सीधा भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बेसिक्स तो कम से कम यही यूज होंगे ना, जैसा भी आएगा। हाँ नीट में तो बहुत देखे हैं इनमें से क्वेश्चन, बहुत फटाफट फटाफट क्वेश्चन आंसर लोग देते हैं। आइडिया क्लियर है आपको, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो हम इतना फिर डिस्कशन नहीं करेंगे ना, हमें आंसर याद हो गया, ठीक है, डन हो गया, ठीक। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक, यस सर। अब एक नई वैरायटी आ गई कैपेसिटर की फिर से, क्या वैरायटी है, वो कहता है ठीक है ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, कैसे, ये देखो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ऐसे ऐसे पड़ी है एक दूसरे के ऊपर, वो दिखा लाइन रहा है, एक्चुअल में प्लेट्स हैं ऐसे, ये प्लेट्स हैं, तो ये प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें से अगर ये पूरी एयर होती तो मुझे पता है कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डी और एरिया प्लेट का ए,
तो मेरा आंसर आता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डन, पर मैंने क्या किया इस प्लेट के आधे पोर्शन में डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, आधे में एयर है, राइट, आधे में डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, आधे में एयर है। अब ये दो किस्म के कैपेसिटर तैयार हो गए, क्योंकि आधा एयर कैपेसिटर है आधा डायलैक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है। तो मुझे पता है कि अब ये आधे का मतलब इसका इसकी कैपेसिटेंस अगर सी वन है, इसकी कैपेसिटेंस सी टू है, तो एरिया ऑफ प्लेट पहले कैपेसिटर का क्या लेंगे ए बाई टू, इसका भी क्या लेंगे ए बाई टू, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स डी, इसकी भी डी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसे, ये एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर कुछ ऐसे कनेक्टेड है, तो मुझे एक चीज़ का आंसर दो, ये मेटल की प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो अगर ये कंडक्टर है और यहाँ पोटेंशियल वी वन है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल रिमेन सेम, तो पूरी प्लेट पे वी वन वी वन वी वन, और नीचे वाली प्लेट अगर वी टू पोटेंशियल पे है तो इट विल रिमेन वी टू वी टू वी टू, मानते हो इस चीज़ को, ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं इनको अलग अलग ड्रॉ भी कर लूँ, ये देखो दो कैपेसिटर्स, एक एयर कैपेसिटर है और एक डायलैक्ट्रिक वाला है, तो ये कितना है ए बाई टू, ये कितना है ए बाई टू, ये डिस्टेंस कितना है डी, ये डिस्टेंस कितना है डी, ऐसे ही है। और मुझे पता है कि ये कितना है वी वन, ये कितना है वी टू, ये कितना है वी वन, ये कितना है वी टू। अब बताओ ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड होंगे, इन पैरेलल नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू। डायग्राम पे मत जाओ ऐसे रख दिए ये सीरीज लग रहे हैं, ऐसे रख दिए, कॉन्सेप्ट पे जाओ, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस यहीं से पता लग रहा है, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, साफ पता लग रहा है दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। समझ में आया यहाँ तक? तो इसलिए ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। तो पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू बाई डी, और दूसरे की क्या होगी के टाइम्स, के भी लिखना है इसमें, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू बाई डी। सी वन सी टू आ गया, दोनों हमने डिसाइड किया किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, दोनों को ऐड करके कॉमन निकाल के आंसर, ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, ओके, फिर देखते हैं एक बार, कोई नहीं अभी आ जाएगा। कोई कहता है कि ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, इस बार प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को ऐसे डिवाइड नहीं किया, वर्टिकल नहीं किया, क्या किया हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ऐसे कर दिया, तो ऊपर वाला K1 नीचे वाला K2। अब इसके अंदर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक कैपेसिटर है, ये देखो ये एक कैपेसिटर है K1, ये एक काम करते हैं इसमें वायर लगा देते हैं, मैं दिखाता हूं कैसे, ये देखो ये एक कैपेसिटर है K2, आप कह रहे हो वायर कैसे, ये देखो दिखाता हूं। मुझे एक बात बताओ कि अगर ये V1 पोटेंशियल है, अगर ये V1 पोटेंशियल है, ये V2 पोटेंशियल पे है और ये V3 पोटेंशियल पे है, तो ये V1 पे है, ये वाली प्लेट V2 पे है और ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये भी किस पे है V2 पे, कॉमन है ना, ये कॉमन टू दिस, कॉमन टू दिस, तो कॉमन बना दी, दो प्लेट बना दी, और ये किस पे है V3 पे है। देखो एक बात तो पक्की है, ये पैरेलल नहीं हो सकते, V1 माइनस V2 एंड V2 माइनस, नहीं पैरेलल नहीं है, सीरीज में है क्या नहीं दिखाता हूं। अगर मैं कैपेसिटर्स ऐसे ड्रॉ करूं क्या ये सीरीज में दिख रहे हैं, मेरा बस चलता तो मैं इस पैनल को उठा के ऐसे रख देता तो डायग्राम ऐसा ना बनता, यार इसको उठाओ ऐसे, इसको उठाओ बाहर, ऐसे रख दो, तो ऐसे रखने से पैरल थोड़ी ना हो जाएंगे, रहेगा तो सीरीज ही, तो डायग्राम इसमें और इसमें फर्क कहां है, फर्क ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं ऐसे वायर ना पकड़ूं, ऐसे पकड़ लूं वर्टिकल में, तो कैपेसिटर तो एक वायर का ही पार्ट है, तो देखो ये कैपेसिटर सेम ही तो है, देखो सेम ही तो है, ये ऐसे पड़े ये ऐसे पड़े, तो ये किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? तो इसके अंदर इसकी जो कैपेसिटी है फर्स्ट वाले की, अब इंपॉर्टेंट ये, इसमें तीनों प्लेट्स का एरिया विल रिमेन सेम ए ए ए, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना था प्लेट्स में डी, तो एक्चुअल में कैपेसिटर तो ये था ना, और आधा प्लेट में के वन आधे में के टू, तो आधी प्लेट का मतलब डिस्टेंस डी बाई टू एंड डी बाई टू। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे केस में इसकी कैपेसिटी क्या होगी के वन इंटू एप्सिलॉन नॉट
एरिया ए बाय डी बाय टू, और इसका क्या होगा के टू एप्सिलॉन नॉट एरिया ए बाय डी बाय टू। सी वन सी टू है, सीरीज है, सी वन सी टू सी वन बाय सी टू, वैल्यूज को पुट कर सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। अब आपको इतना भी दिमाग नहीं लगाना, मजे की बात, आपको थोड़ा सोचना है कि ऐसे वी वन है वी टू है, कुछ ना करना, ये देखो ऐसे करना, ये लो, अगर तो एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया ए बाई टू ए बाई टू, और डिस्टेंस नहीं डिवाइड हो रहा, डी एंड डी है, फिर तो पैरेलल है। और अगर एरिया सेम है, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो सीरीज है। लो खत्म हो गया, याद हो गया। तो अगर तो एरिया डिवाइड हो गया फिर तो पैरेलल है, और अगर डी डिवाइड हो गया तो सीरीज है, खत्म। ठीक है यहां तक तो आसान हो जाएगा ऐसे याद करना, नहीं तो मैंने तरीका बता ही दिया आपको कैसे सोचना है, तो कोई बात नहीं। नहीं और भी अपने पास बहुत है आज, ऐसा बहुत कुछ है, तो ये एकदम याद हो जाएगा सर। फिर देखो ये कैपेसिटर है, ये के वन और के टू, बोलो ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल, क्योंकि एरिया ए बाय टू और ए बाय टू, बताया था ना। और अगर एरिया सेम रहता सभी कैपेसिटर्स का तो सीरीज, तो इसमें देखो डी डी सेम है दोनों में, एरिया ए बाई टू ए बाई टू, तो ये पैरल कॉम्बिनेशन है। वही सेम रूल, इसकी कैपेसिटी निकाल लो के वन इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू बाई डी, इसकी कैपेसिटी निकाल लो के टू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाई डी, और टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, सी वन प्लस आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, इसमें ये एक कैपेसिटर है सी वन, ये एक कैपेसिटर है सी टू, बोलो ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में है, साफ पता लग रहा है सीरीज में है। वो ये कह रहा है कि ठीक है ये एक कॉम्बिनेशन है और एक ये कॉम्बिनेशन है के वन के टू। अब एरिया की वैल्यू इसमें कितनी है, ए ए और ए, डिस्टेंस टू डी का क्या हो जाएगा, डी एंड डी, तो ये कॉम्बिनेशन किसमें है, इन सीरीज, क्योंकि एरिया डिवाइड नहीं हुआ, एरिया रिमेन सेम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, एरिया सेम है इसमें। तो ऐसे केस में वो ये कह रहा है कि कंपेयर करो इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस में क्या फर्क है। चलो एक एक करके करते हैं, पहले सिर्फ इसकी कैपेसिटेंस बोलो क्या होगी, के वन इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी, फिर इसकी यहां करेक्शन है, प्लीज के वन लगाओ, यहां करेक्शन है, यहां पे के वन भी आएगा और यहां के टू भी आएगा, करेक्शन करो शीट में, के वन के टू, कैपेसिटर इस क्वेश्चन में ऐसा है, जो एक्चुअल कैपेसिटर है वो ये है, ये है, ये प्लेट, ये कैपेसिटर है, और हमने इस कैपेसिटर को आधा आधा ऐसे कर दिया, ऐसे आधा के वन आधा के टू, ऐसे है ये पूरा कैपेसिटर था, आधा के वन आधा के टू, ऐसे है ये एक कैपेसिटर था पूरा, ऐसे ये पूरा एक कैपेसिटर है, ऐसे फिर आधा तोड़ दिया या उसमें डायलेक्ट्रिक डाल दिया, के वन एंड के टू का ऐसे, हाँ दो नए कैपेसिटर्स बन गए अंदर, ऐसे है, ओके। तो अब एक बात बताओ, ये सी ये मैंने करेक्शन करवा दी, इसमें यहाँ पे आपने के वन लिखना है, यहाँ पे के टू लिखना है। अब मुझे पता है ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज, तो सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, तो सी वन सी टू की वैल्यूज पुट करके आंसर डन। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, अब यहाँ आते हैं। अब इस केस में इसकी कैपेसिटी क्या आएगी, ये K1 है, तो K1 into epsilon not area will remain A, A and A, तो K1 into epsilon not area divided by ये डिस्टेंस कितना है, D, ये रहा, और इसकी कैपेसिटी क्या आएगी, K2 epsilon not area A divided by D। अब क्योंकि ये भी किसमें है, सीरीज में है, तो C1 प्लस C2 करके आंसर, आंसर दोनों में क्या आएगा एग्जैक्टली, तो यानी कि ये डायग्राम और ये डायग्राम में कोई फर्क नहीं है। वैसे ये मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ करके दिखा भी चुका हूँ, कर तो चुका हूँ, इसको अलग अलग बना लो, अलग बोला तो था, ऐसे एक ही तो बात है, तो ये सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव कर रहा है कि बात एक ही है, कोई डाउट इसमें।
ये सीरीज में है ना, इसको उठा के ऐसे कर दे पूरा सेम सीरीज तो है, वो ऐसे दिखा रहा था ये ऐसे कर दिया, और क्या शॉर्टकट कराया, एरिया रिमेंस सेम, डिस्टेंस टूट गया डीएनटी, इसलिए सीरीज। अगर नहीं समझ में आता इसलिए बताया था शॉर्टकट, कई बार ना वो जान जान के ना ऐसे ऐसे करता रहेगा तो आपको वो सीरीज का पैरल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो याद करने का बेस्ट तरीका, एरिया सेम है तो फिर वो सीरीज है, एरिया डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल है, बस इसी काम चल जाएगा आपका। ठीक है यहां तक? ओके इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। इसमें तीन कॉम्बिनेशंस हैं, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, बोलो ये किसमें कनेक्टेड है, C1 C2 इन सीरीज, क्योंकि एरिया सेम है और डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और एरिया a बाई टू और a बाई टू, अदरवाइज तो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो एरिया वाले तरीके से जल्दी आ जाता है आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर डायलैक्ट्रिक के है, इसके अंदर के वन के टू है, इसके अंदर के थ्री के फोर है। आपको रिलेशन बताना है के का, के वन के टू के थ्री के फोर का। एक काम करते हैं, और हाँ एंड में ये भी गिवन है, तीनों कॉम्बिनेशंस की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, इनकी कैपेसिटेंस इक्वल है। तो एक काम करते हैं, पहले हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, क्या होगी बोलो, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, ठीक हो गया। फिर हम इसकी निकाल लेते हैं C1, तो यहां पे C1 की वैल्यू निकाल लेना, C1 की वैल्यू यहां पर क्या आएगी इस कैपेसिटर की, K1 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी बाय टू, और इसकी क्या होगी, K2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी बाय टू, C1 C2 आ गई, क्योंकि किसमें कनेक्टेड है, सीरीज, तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2। मैंने सॉल्व नहीं किया, अब करना, तो ऐसा करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक और आंसर आ गया, फिर इसकी बात कर लो, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डिवाइडेड बाय टी, इसकी क्या होगी, K4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डिवाइडेड बाय टी। तो ये C3 C4 किसमें है, इन पैरेलल, पैरेलल में दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर। तो मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस निकाल ली, सेकंड की निकाल ली, थर्ड की निकाल ली। वो कह रहे कैपेसिटेंस तो बराबर है, तो इन्हें बराबर कर दो ना, तो अगर आप इन्हें इक्वल करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 2K1K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी K3K4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये टर्म तो आपस में क्या हो गई, रिलेशन आ तो गया K का, K1 K2 और K3 K4 का आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे आपने इसमें इवेल्युएट करना है, कोई डाउट इसमें? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लो यार, इक्विवेलेंट कैपेसिटर दो मिनट निकाल ही लो, ट्राई कर लो, ये लो आपको इसकी, बोलो किसमें है तीनों की तीनों, इन सीरीज, एरिया रिमेंस सेम, निकालो रफ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बोलो क्या होगी, तीनों के लिखो फॉर्मूला और ऐड सॉल्व करो।
कितना? देखो इसके अंदर, देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, पहला कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी इसकी, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी बाय 3। दूसरी कॉपर की क्या होगी, कॉपर का के क्या होता है, इंफिनिटी, तो सी क्या होगा इसका, इंफिनिटी। कॉपर एक मेटल है और हमने कहा था कंडक्टर या मेटल में के क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी। फिर उसके बाद C3 में 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी बाय 3, तो तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरल सीरीज में, तो सीरीज में जब ये इन्फिनिटी होगा 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो इसका इफेक्ट तो कैंसल, C1 C2 पुट करके आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। इसके अंदर ये तीन कैपेसिटर्स हैं, ये बताओ ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, एरिया रिमेन सेम, ये सीरीज, तो इसकी जगह एक कैपेसिटर जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल। क्लियर है यहां तक? तो आप इसमें C2 और C3 निकाल लेना सीरीज में, ये रहा, क्या लिखा हुआ है, a बाई टू, प्लेट का एरिया ये नहीं होगा, डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो यहां से C2 C3 सीरीज में जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा वो C1 के साथ किसमें, पैरेलल में ऐड करके आंसर। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? इसको बाद में करेंगे, ये हो जाएगा, ये किसमें कनेक्शन, बोलो ये किसमें, इन पैरेलल, एरिया डिवाइड हो रहा है तो सॉल्व करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, फटाफट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉल्व करो, तो ये किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो इसमें कैपेसिटेंस इसकी कितनी, के इंटू, पहले इसकी निकाल लेते हैं, 3a/4, एयर है तो 1 होगा इलेक्ट्रिक, तो एप्सिलॉन नॉट 3a/4 डिवाइडेड बाय डी। फिर ऐसे इसका क्या होगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट a/4 डिवाइडेड बाय टी, तो ऐड कर देंगे पैरेलल में तो आंसर, ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? चलो इसको बाद में करते हैं, ये भी बाद में करना है, ये भी बाद में करना है। सब्जेक्टिव शीट नंबर 6 जो आपको बुकलेट दी है ना ऑब्जेक्टिव वाली, उसके पीछे सब्जेक्टिव शीट है एनसीईआरटी की, आगे ऑब्जेक्टिव है पीछे सब्जेक्टिव है, तो एक बार वो ओपन कर लो, तो यहीं से देख लो, कोई बात नहीं, यहीं से देख लो, ध्यान से आगे देखो, यहीं पे हो जाएगा, आपको ओपन करने की जरूरत भी नहीं है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था लास्ट टाइम, ठीक है? इस शीट में ये वाला क्वेश्चन इन्फिनिटी वाला भी हमने कर लिया था, इस शीट में ये क्वेश्चन आज हमने कर लिया व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सेम था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने पैरेलल में लास्ट टाइम किया था, शीट में था। ये क्वेश्चन, ये दोनों पैरेलल में, इसके सीरीज में ये भी कर लिया था, सेम शीट वाला ही क्वेश्चन है, ये नहीं किया था आंसर। चाहते हुए दूंगा,
यहां से स्टार्ट करो, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन, अब शुरू करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो पहले। इसके अंदर ना एनर्जी पूछी है और इसमें ना वोल्ट्स नहीं गिवन, तो एक काम करो आप इसमें ना ये आंसर तो नहीं आएगा, छोड़ दो, आप इसको 10 वोल्ट पे लेना, अपना नया आंसर निकालो एनर्जी का। तो एनर्जी निकालने के पहले सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर भी था, चेक करो, तीन फॉर्मूलाज करवाए हैं ना एनर्जी के आज, और उसके अंदर ये भी फॉर्मूला है। अभी आपको याद नहीं होगा एनर्जी का फॉर्मूला, याद नहीं ना, नहीं याद ना, हाँ कि ना, तीनों फॉर्मूला नहीं याद, ट्यूजडे को सब्जेक्टिव टेस्ट है, ड्राइव करने को दूंगा, याद हो जाएगी, ट्यूजडे को तैयारी करके आना, जो आज कैपेसिटर के क्वेश्चन किए लास्ट टाइम किए और थ्योरी के लिस्ट बना के दूंगा व्हाट्सएप पे, कल संडे को टेस्ट नहीं है, ट्यूजडे को टेस्ट है, इस बार संडे को असाइनमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स मार्क करके दूंगा कौन कौन सी करनी है व्हाट्सएप पे, वो करके लानी है। तो अगली बार ट्यूजडे को आधा घंटा लगा के पहले डाउट्स लेंगे, ऑब्जेक्टिव शीट्स को क्लियर कर देंगे जो पुरानी पेंडिंग है हमारी, फिर आगे चलेंगे। कितनी आ रही है, जिसकी टू आ रही है तो ठीक ही है, टू आ रही है, टू आ रही है, ओके। देखो सबसे पहले काम करना पड़ेगा इसमें, ये दोनों किसमें इन सीरीज, तो सी टू और सी थ्री कितना है, टू, तो ये टू माइक्रोफेरेड है और ये भी टू माइक्रोफेरेड है, सीरीज में लगाएंगे एक कैपेसिटर तो कितना आएगा, वन माइक्रोफेरेड, टू इंटू टू बाई टू प्लस वन, ये वन और C1 कितना है, 1, तो 1 और 1 किसमें है, इन पैरेलल, तो 1 और 1 पैरेलल में आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम ऐसा बना लेंगे, ये आपके पास C5 है, C5 है, ये आपके पास 1 और 1 किसमें है, पैरेलल में, तो एक काम करते हैं, ये लो ऐसे करें, इन तीनों की जगह देखो, टू और टू वन, वन और वन पैरेलल टू, तो इन तीनों की जगह एक लगा लिया, ये एज इट इज लिख लिया, सी फाइव भी एज इट इज लिख लिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, वन। अब एक बार बताओ ये दोनों किसमें है, सीरीज में, टू और टू सीरीज में आंसर क्या आएगा, वन, वन और वन किसमें, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ रही है, टू, वन और वन पैरेलल में, तो वन प्लस वन टू, ये एक लाइन नहीं है यार, एक मुड़ रहा है जंक्शन थोड़ी ना, उसमें नहीं, इसी में, पहले मैंने ये दोनों किसमें है, सीरीज में, सीरीज में है, तो वन और वन, टू और टू सीरीज में है, तो आंसर क्या आएगा, वन, इन दोनों की जगह वन, ये भी कितने है, वन, वन और वन किसमें है, पैरेलल, तो क्या आंसर आएगा, टू, क्या आंसर आएगा, टू, टू और सी फोर, सी फोर कितना है, टू, टू और टू किसमें, सीरीज में, ये कितना है, वन, वन है, ये कितना है, वन, वन और वन पैरेलल में, जब तुम इस पूरे की जगह एक कैपेसिटर लगा लोगे, फिर वो जो पूरा कैपेसिटर इसके साथ तो सीरीज में हो जाएगा ना, इसकी जगह एक मान लो, तो यहां से एक चला, एक पूरा और फिर ये बचा, ऐसे होगा ना, इन तीनों की जगह एक लगा दो बस ऐसे, अब ठीक है, तो ये सीरीज में आंसर इसके साथ इन पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट इसमें टू आ रहा है और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि बैटरी का वी मिसिंग है इसमें, बट आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घर जाके सॉल्व करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगा समझ में। तो पहले आप एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम्स करना धीरे धीरे, फिर आगे चलना, ठीक।
ये कर लिया, बोले तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, राइट पैरेलल, ये किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, आज किया तो सी वन सी टू सी थ्री वाला 1 3 5 पैरेलल किया था ना, लैडर वाली प्रॉब्लम। अब ये लैडर वाला कैपेसिटर है, सीडी वाला, ये देखो इसके अंदर ये एक कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना है ए बाई थ्री, डिस्टेंस डी है, ये दूसरा कैपेसिटर एरिया कितना है ए बाई थ्री, डिस्टेंस कितना है प्लेट्स में डी प्लस डी टू डी, तीसरा कैपेसिटर ए बाई थ्री, डिस्टेंस कितना है थ्री डी, बोलो एक इसमें कनेक्टेड सीरीज की पैरेलल सीरीज, ओके ये एक कंडक्टिंग प्लेट है पूरी की पूरी, तो अगर ये V1 है तो ये भी V1 है, ये भी V1 है, ये एक प्लेट है V2 V2 V2, तो क्या होगा V1 V2 V1 V2 V1 V2, अरे एरिया डिवाइड नहीं किया इतना बड़ा, एरिया डिवाइड किया तो वैसे ही सीरीज में नहीं हो सकते। अच्छा नहीं तो ये तो समझ में आ ही रहा है, छोड़ो इसे भी, ये अगर V1 है ये V2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इसके ऊपर, V1 माइनस V2 इसके ऊपर, V1 माइनस V2, तो वैसे ही पता लग रहा है किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल भाई, V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज सेम नहीं है, तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, तो तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, समझ आ रहा है। फिर से जब दो, जब मैं एक कैपेसिटर हूं मेरी दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, आप भी एक कैपेसिटर हो आपकी दोनों प्लेट्स पे भी V1 माइनस V2, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम हो, सेम होती है, तो इसके अंदर मैं ये कह रहा हूं ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये पूरी की पूरी प्लेट इक्विपोटेंशियल है, ये कंडक्टिंग प्लेट है पूरी की पूरी प्लेट ही इक्विपोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर में कितना हुआ V1 माइनस V2, सेकेंड में क्या हुआ V1 माइनस V2, थर्ड में क्या हुआ V1 माइनस V2। अच्छा ये ही समय आता है, ऐसे आता है, ये तीन कैपेसिटर ऐसे बन गए, क्लियर है, तीनों को अलग अलग बना लूं, तीनों अलग अलग बना लिए, फिर क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल है तो इन तीनों का पोटेंशियल भी सेम ही तो होगा V1 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 V2 V2 V2, तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए ऐसे ये बना लूं सिंपल, ये देखो वायर से कनेक्ट कर दिया मैंने इन्हें ऐसे, तो ये एक कैपेसिटर है C1, ये एक कैपेसिटर है C2, और ये एक कैपेसिटर है C3, इसको उठा के सीधा ऐसे बना दो, ये देखो आपको सेम ही तो डायग्राम दिख रहा है C1 C2 C3, ये देखो सेम डायग्राम बनाया मैंने इसमें पैरेलल, ऐसे ना सही ऐसे बना दिया, बात तो एक ही है ठीक। वैसे बेस्ट तरीका यही है कि ये एक प्लेट है ये भी एक प्लेट है, तो V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 V1 माइनस V2, वैसे ही पता लग रहा है पैरेलल में है, सीरीज में तो होने का चांस ही नहीं है इसमें। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे सही, ये लैडर ऐसे लेटी हुई है, लैडर को सीधा कर दो, अब सोचो वर्टिकल है, अगर वर्टिकल है तो तीन कैपेसिटर कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे नहीं, और अगर ऐसे दिखेंगे और आपस में ये सारे के सारे कनेक्टेड है, वी सेम है, अब ये पैरेलल नहीं हो गया, डिस्टेंस तो इसमें वो रूल नहीं लगेगा, एरिया डिवाइड हो गया डी डिवाइड हो गया, ये कोई वो थोड़ी ना कि डायलेक्ट्रिक डाल दिया, ये वो टाइप का क्वेश्चन थोड़ी ना कि डायलेक्ट्रिक डाल दिया के, और ये वो अलग टाइप के क्वेश्चन, लैडर वाला क्वेश्चन अलग है, लैडर में डायलेक्ट्रिक थोड़ी ना डाला है, ठीक है ना, तो लैडर में कुछ नहीं किया, बस ये शेप चेंज की है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इससे आसान तो क्या ही समझाऊंगा यार, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल है, क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, और आसान, लैडर वाले जितने क्वेश्चन है सब पैरेलल में होते हैं, डन, बात ही खत्म। अब बताओ क्या करोगे इसका, लैडर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम रहेगा, लैडर ऊपर चढ़ेगी तो V1 V2 सेम ही रहेगा, इससे आसान तो नहीं कुछ हो सकता, तो लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज में कभी देखा ही नहीं मैंने, ठीक।
इस क्वेश्चन के बाद ये एक नई लास्ट वैरायटी है, बस लास्ट है ये, बस लास्ट है ये। एक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। इसका ना बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, ये अगर बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये एक्स पॉइंट है, ये मेटल की प्लेट्स हैं 1 एंड 4, 1 एंड 4, इसका रीड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, तो ये सेम पोटेंशियल पे होंगी। एक्स वाली प्लेट 1 और 4 को सेम पोटेंशियल देंगी। ऐसे ये वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट पे ये देखो, वाई पॉइंट पे एक 2 के साथ कनेक्टेड है और एक 3 के साथ कनेक्टेड है। चेक करो, वाई 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है, एक्स 1 और 4 के साथ कनेक्टेड है, और 1 और 2 पैरेलल है, 3 और 4 पैरेलल है। तो ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, आपने याद रखना है। इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसे बनाना है, एक्स 1 और 4 के साथ कनेक्टेड है, एक्स 1 और 4 के साथ कनेक्टेड है, वाई 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है, वाई 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है, 1 और 2 पैरेलल है, 3 और 4 पैरेलल है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर इसका अगर पोटेंशियल V1 है, तो ये पूरी प्लेट का पोटेंशियल V1 V1 है। अगर y V2 पे है, तो ये दोनों प्लेट्स भी V2 V2 पे है, जैसे ये V2 V2 पे है और ये V1 V1 पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस टाइप की प्रॉब्लम 4 प्लेट्स वाली पैरेलल में ही दिखेंगी, सीरीज में दिखती नहीं कभी भी। तो अगर ये पैरेलल में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी प्लस सी 2C। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आंसर। ठीक है, ये स्टाइल है, मतलब आप ये सोच रहे हो अच्छा, मतलब एक बार देख लोगे हाँ ये ऐसे किया सर ने, पर ये स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे जाल बिछा के दे देगा, आप करके दिखाओ, वो ना होती। 5 प्लेट्स का मैंने अपनी बुकलेट में डाला हुआ है, 5 प्लेट्स का बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। 4 प्लेट तक तो याद होता है सबको, 4 प्लेट्स का पैरल कॉम्बिनेशन में आंसर आता है, 3 प्लेट्स का भी याद होता है, अभी करके दिखाऊंगा। 4 5 प्लेट्स का मुश्किल क्वेश्चन है, वो भी आएगा अभी थोड़ा कॉम्पिटिशन के अंदर। बट क्या ये पॉइंट क्लियर है इसको? देखो, आपने एक चीज नोट की, हर कैपेसिटर के क्वेश्चन का नया ही तोड़ है। ये आ गया तो ये इसका तोड़ है, ये है तो फिर ये करना पड़ेगा, ये है तो ये, यही तो बता रहा था मैं, इसका और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक, प्रैक्टिस ही तरीका है। तो इस शीट के बाद, इस शीट के बाद एक और शीट है, शीट नंबर ये रही 7। देखो शीट नंबर 7 में ये रही, ये रहा क्वेश्चन, बनाते हो, रीड्रॉ करना डायग्राम इसका एक बार, जैसे मैंने किया, ट्राई करो, एक्स वाई प्लेट्स बनाओ, वो कोई चक्कर नहीं है, ऐसे 1 और 3 तो प्लेट्स हैं, पैरेलल में होंगे। तो आप ऐसा करो, ये 1 लो और ये 3 लो, यहां तक क्लियर है, एक्स 1 और 3, जो वाई है, वाई की प्लेट जो होगी वो 2 प्लेट्स बनेंगी, 2 एंड अगेन 2 ही बनेंगी, 2 कॉमन है ना 1 और 3 के साथ, 2 कॉमन है 1 और 3 के साथ, ये देखो वाई के साथ ये प्लेट्स कॉमन बनेगी, 2 वाई 2 के साथ है, ये देखो वाई 2 के साथ है, वाई 2 के साथ है, और चेक करो 2 1 के साथ है, 2 3 के साथ है, 2 1 के साथ है, 2 3 के साथ है, तो आंसर इसका भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो 4 प्लेट्स हो या 3 प्लेट्स हो, आंसर सेम है। अगर 2 प्लेट्स हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, फिर 2 में तो क्या ही आएगा, 2 प्लेट्स तो पता ही है, 3 प्लेट्स पैरेलल है, 4 प्लेट्स पैरेलल है, 5 प्लेट नहीं करनी है, अभी बुकलेट में देख लेना इसका सोल्यूशन क्या होगा। 4 तक क्लियर हो गया? तो 3 और 4 प्लेट कभी सीरीज में होती नहीं है, होती ही हमेशा पैरेलल में। ठीक है यहां तक ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी सी है, पोटेंशियल वी है, इस बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, तो बताओ कैपेसिटेंस, चार्ज, वी और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा। हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक हो गया, आज हमने किया बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड वाला सेम क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है, इन एरिया डिवाइड हो रहा है, पैरेलल डिवाइड हो रहा है, पैरेलल, ये किसमें है, इन सीरीज, ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, एन रेज टू पावर 2/3 किया था सेम, ये नहीं किया, करो
लिखते जाओ क्या क्या गिवन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया, तो क्या गिवन है, एरिया 0.02 मीटर का स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन 1 mm, 1 mm का मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड, अगर चार्ज गिवन है कितना, 1 nC, नैनो का मतलब 10⁻⁹ कूलम। तो क्या निकालना है इसमें, वी निकालना है। एक काम करो, एरिया और डी पता है, तो कैपेसिटेंस आ गई एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यानी कि 8.8 × 10⁻²। एरिया कितना है 0.02 और डी कितना है 1 × 10⁻³ कितना, -3। तो कैपेसिटेंस आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके। सी आ गया, क्यू पता है, तो वी निकालना है, वी क्या होगा क्यू डिवाइडेड बाय सी, क्यू पता है सी पता है। आंसर पहले पार्ट का आंसर क्लियर है, जब सी पता है और क्यू पता है तो आंसर आ गया। पर अगला पार्ट क्या है, इफ प्लेट सेपरेशन इज नाउ इंक्रीज टू 2 mm, अब केस नंबर 2 में डी को क्या कर लेना है 2 mm, एरिया रिमेन्स सेम, अब क्या निकलेगी नई कैपेसिटेंस, चार्ज सेम, तो क्या निकलेगा नया पोटेंशियल। ठीक है, डी चेंज करने से सी चेंज हो गया, सी चेंज करने से वी चेंज हो गया आंसर। तो दो बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, हालांकि एक ही बार आंसर के बने, दो आंसर बनेंगे, पहले फर्स्ट केस का आंसर आएगा और फिर डी को चेंज करके सी चेंज करके नया आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को के बाद ये वाला क्वेश्चन 7th, थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मुझे लगता है आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है। ठीक है, आगे एंड आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, फिर से विद कैपेसिटर्स 2, 4 और 2 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहे इसके साथ सीरीज में है ये 3 कैपेसिटर्स विच आर फर्दर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ये कनेक्शन इसके साथ सीरीज में है जो कि पैरेलल में है, यानी कि ये 3 अगर पैरेलल में है जो आंसर आएगा वो इन सबके साथ किस में है, इन सीरीज है। तो ये 2, ये 4 और ये 2, एक काम करो ये सब किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो क्या आएगा 2 + 4 + 2 = 8, फिर 8, 6, 6 और 6 किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो कर लोगे सॉल्व, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/8 हो जाएगा सॉल्व, आंसर आएगा। मेन तो इसमें यह था डायग्राम को कैसे विजुलाइज कर रहे हो। ठीक है, आसान लगा ये? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, हम जो आगे 2 कैपेसिटर्स के करेंगे ना क्वेश्चन, उसके बाद तुम बोले दोनों आसान थे लेक्चर, जैसे प्लस वन में बोलता था ना, रोटेशन करने के बाद लॉ ऑफ मोशन ठीक लगेगा, रोटेशन के बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन भी ठीक लगेगा, और प्लस वन में यूनिट एंड डायमेंशन बड़ा मुश्किल है यार, बड़े फॉर्मूला था यार, लेवल है प्लस वन का। ठीक है, बताओ ये 2 किसमें कनेक्टेड है, C1 C2 सीरीज, तो इन दोनों की जगह क्या लगेगा, एक कैपेसिटर, कितना C1 C2 / C1+, ये C को ऐसी रहने देते हैं, ऐसे नीचे वाले 2 कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज, और जो आंसर आएगा वो आपस में इन पैरेलल, ऐड करके आंसर। क्लियर है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आपस में सब पैरेलल में। ठीक है, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट
ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज का पार्ट किया था, तो क्या आएगा 5 + 10 + 15 कितना 30, 30 जो आएगा इस 30 के साथ इन सीरीज, 30 30 सीरीज में, तो आंसर क्या देगा, डन। ये प्रैक्टिस है, ठीक, देखते ही पता लग रहा है ये प्रैक्टिस है। आगे, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स हैं, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में अगर इस वायर का पोटेंशियल V1 है और ये फर्दर आगे डिवाइडेड है तो ये V1 V1 है, और ऐसे ये अगर जंक्शन V2 है तो ये भी V2 ये भी V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का कितना है V1 - V2, इसका भी कितना है V1 - V2, तो ये कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी 2.2 + 2.2 कितनी 4.4 आंसर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, जान के शेप चेंज कर दी ताकि सिलेंडर में लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो हमें क्या दिक्कत है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि ये V1 ये V1 ये V2 ये V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। डाउट है, डाउट ठीक है यहां तक, ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम। इस क्वेश्चन को करो एक बार, इमेजिन करो क्या है, देखो एयर कैपेसिटर हैज एन एरिया ऑफ, ठीक है, एयर कैपेसिटर का एरिया कितना है, ये रहा 1000 cm² एंड टू प्लेट्स आर 4 mm अपार्ट, प्लेट सेपरेशन का मतलब स्मॉल डी, ये लो, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर कैपेसिटर, ये A1 ले लो ये D1 ले लो, विद एरिया दूसरा कैपेसिटर जिसका एरिया 20, ये लो, एंड प्लेट बींग सेपरेटेड बाई अ डाइलेक्ट्रिक, तो आपको इसमें डी पता है 0.1, लेकिन इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है डाइलेक्ट्रिक जिसका कॉन्स्टेंट कितना है 2.5, ऐसे तो दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम ऐसा बनेगा C1 एंड C2, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है, तो ये C1 है और ये C2 है, तो क्या कह रहे हैं, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट, फाइंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन, ये टोटल वोल्टेज सीरीज में बतानी है क्या होगी, तो अगर मैं आपको इसकी वोल्टेज बता दूं V1, तो मेरा आंसर फाइनल क्या आएगा V1 + 100, ये बनाना आंसर, तो मेरे को इसका V तो पता ही है, इसका V निकल गया तो टोटल सीरीज में V ऐड होता है, सीरीज में भी ऐड होता है, तो आंसर क्या आएगा V1 + 100, क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपको इन दो वैल्यू से C1 की वैल्यू आ जाएगी, C1 इसमें क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A/D निकाल लोगे, फिर यहां से C2 आ जाएगा, फॉर्मूला बोलो K × एप्सिलॉन नॉट A2/D2, C2 भी निकाल लोगे, C2 आ गया, इधर से C2 आ गया, इधर से V पता है, तो यहां से चार्ज आ गया Q = C2 × V, तो समझो आपके पास क्या आ गया चार्ज आ गया, तो इस कैपेसिटर का आपको क्या पता है C पता है, आपको V पता है, तो Q पता है, क्योंकि कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है इन सीरीज, तो जो Q इसमें होगा वही Q इसमें होगा, तो Q पहले कैपेसिटर में भी सेम, कोई डाउट इसमें। अब क्योंकि इसका क्यू पता है C1 पता है, तो समझो क्या आ गया V1 भी आ गया, डिवाइड करके V1 आ गया, V1 आ गया 100 में ऐड करके फाइनल आंसर आ गया, तो पहले हमने C1 C2 निकाला, हमें इसका V पता था C पता था, हमने क्यू निकाल लिया, इसका क्यू और इसका क्यू सेम है क्योंकि ये सीरीज में है, इसका क्यू पता लग गया, इसका C1 ऑलरेडी पता था, तो इसका V आ गया, इसका V आ गया, इसका V 100 है, ऐड करके टोटल V कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, सीरीज में चार्ज की वैल्यू रिमेन्स सेम, ये रूल लगेगा, कोई
कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ये नहीं होगा, कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है ये समझो। तो क्या क्वेश्चन है? व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज बाय 3.2 टू रिस्टोर द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। देखो मैं आपको समझाता हूं कर क्या रहा है वो। सबसे पहले एक कैपेसिटर है, कोई इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है डी और एरिया ऑफ प्लेट क्या है ए। तो बोलो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, क्या ये होगी? क्लियर है? ठीक है, ये होगी। वो ये कहता है कि मैंने इसी कैपेसिटर के अंदर एक डायलैक्ट्रिक को डाल दिया, और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के, प्लेट्स में सेपरेशन कितनी थी डी, डायलैक्ट्रिक की थिकनेस वो क्वेश्चन में हमें दे रहा है, ये रहा इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक, तो ये आपको टी गिवन है। डायलेक्ट्रिक थिकनेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी, तो डायलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी थिकनेस है टी गिवन है। क्लियर है यहां तक? तो टी आ गया इसमें। नेक्स्ट है वो कह रहे जब हम डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो नई कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? यही फॉर्मूला लगेगा ना? पर ये भी पॉइंट क्लियर है कि ये फॉर्मूला जब लगेगा तो कैपेसिटेंस सेम नहीं रहती, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सही है? वो ये कह रहा है कि मैंने क्या किया, डायलेक्ट्रिक स्लैब को तो डाल दिया, तो मैं मेरे को डी को बढ़ाना पड़ा बाय कितना, 3.2 mm, 3.2 × 10⁻³ बढ़ा दिया मैंने, और थिकनेस तो मुझे गिवन ही है कितनी 4 mm, 4 × 10⁻¹ - 1 - 1/k। तो कह रहे ऐसा करने से मेरी कैपेसिटेंस की वैल्यू वही आ गई जो पहले थी, रिस्टोर हो गई। रिस्टोर होने का मतलब वैसे बढ़नी चाहिए थी, पर क्योंकि वैल्यू कैपेसिटेंस की बढ़ रही थी मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया ताकि फ्रैक्शन बढ़ने की बजाय थोड़ा सा कम हो जाए और अपनी वैल्यू वापस रिस्टोर कर जाए। तो यहां से टी बढ़ाया, यहां से डी भी बढ़ाया ताकि वैल्यू सी की पहले और अब क्या रहे एग्जैक्टली। आपने अब क्या करना है, इसको इसके इक्वल करना है और के निकालना है। तो इक्वेट कर दो फिर, तो इक्वेट करो और देखो जरा के क्या होगा इसमें। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी प्लस ये लो, ये कैंसल, इक्वेट करो डिनोमिनेटर और चेक करो के कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो प्लीज, 5 आएगा। आ गया?
इक्वेट करो और इसका आंसर 5 आएगा, चेक करो। अरे 5 आएगा, 5। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। और ये लैडर वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, और ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम कर लिया। तो ये एनसीईआरटी की शीट थी, यहां तक आपका टेस्ट होगा, थ्योरी के क्वेश्चन और जो शीट के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। तो इसके ऊपर आपने कैपेसिटर्स करना है। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, करो तैयारी, अपनी बुकलेट ले जाओ। एनसीईआरटी की डेरिवेशंस की बुकलेट मैंने जो मैं कहा था मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो ऑनलाइन है मुझे एक बार ऑनलाइन में स्टूडेंट्स यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे कल के बाद या परसों, मंडे को करना, मंडे के बाद। तो जो ऑफलाइन वाले हैं वो अपनी कॉपी ले जाएंगे प्लीज़।